आपको पता है एग्जाम आ रहा है आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पर फिर भी उसके लिए आप पढ़ेंगे नहीं अब मेरी माइक्रोस की जो इंटर्नशिप थी ना उसमें हमें एक काफी सारी चीज बहुत ज्यादा बार सिखाई जाती थी वो है ग्रोथ माइंडसेट पर फिर हमें लगने लगता है डर क्योंकि जहां हम बड़े रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना वहां हमें बड़े डर लगते हैं कोई सर्जरी आ रही है किसी पेशेंट का इलाज करना है डॉक्टर बैठ बैठे प्रोकानेट करें कि अभी नहीं करूंगा दस मिनट बाद करूंगा पंद्रह मिनट बाद करूंगा

करना होता है और हमें पता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और नहीं की तो हमें बहुत नुकसान होगा, पर फिर भी हम नहीं करते उस टेस्ट की करनी होगी, अपना बेस्ट कर हम नहीं पढ़ेंगे हमें काम करना होगा पर नहीं करेंगे और हमें बार 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 बार, बार उसका रहेगा कि यार मुझे काम करना है इस चीज पर मुझे काम करना है पर हमारी एक्टिविटी क्या होगी हम शॉर्ट्स देख रहे होंगे हम रील्स देख रहे होंगे हम सोशल मीडिया चला रहे होंगे हम दोस्त के साथ मॉल चले जाएंगे पर उस काम को नहीं करेंगे उसको टालते रहेंगे और यहां पर आपने एक और छोटी चीज नोटिस की होगी कि हम खुद को बोलते हैं कि इसको पांच मिनट बाद करेंगे इसको एक घंटे बाद करेंगे इसको शाम में करेंगे इसको कल सुबह करेंगे पर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इसको हम करने ही नहीं वाले हैं और इस चीज की वजह से हम उस टेस्ट में उस इंटरव्यू में उस पोटेंशियल तक नहीं रीच कर पाते जो हमारे अंदर होती है हम अपनी स्किल्स पर हॉबीज पर उस हद तक काम नहीं कर पाते प्रोफेशनल नहीं बन पाते जितना हम उसमें अचीव कर सकते हैं एंड में हम फिर बार 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 सफर करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश हमने उन हॉबीज को उन स्किल्स को परस्यू कर लिया होता काश हमने उस सही टाइम पर पढ़ाई कर ली होती राधा देन खुद को वो फालतू के एक्सक्यूज फालतू के रीज़न्स देने की जगह जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते इसको इस एक्टिविटी को जो हम करते हैं खुद को फालतू रीज़न देना और किसी चीज़ की तरफ काम ना करना इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन अब कुछ लोग ना प्रोक्रेस्टिनेशन को लेजीनेस के साथ कंपेयर करते हैं यानी आलस के साथ आलस क्या होता है कि आपको पता है कोई चीज़ आपको करनी है पर फिर भी आपका मन नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे उसको टालते रहेंगे पर प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको पता होता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है इनफैक्ट आप उसकी तरफ काम भी करना चाहते हो आपको पता है एग्जाम आ रहा है आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पर फिर भी के लिए आप पढ़ेंगे नहीं इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन अब प्रोकर क्यों हम करते हैं क्यों हमारी ऐसी आदत होती है ये चीज़ करने की इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें से काफी एक काफ़ी कॉमन एक रीज़न है कि हम परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो उसमें हम सेलेक्ट ही हो रहे होंगे हम किसी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो उसमें हम टॉप लेकर आएंगे या एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो लेकर आएंगे हम सोचते हैं कि आज अगर मैं गिटार बजाना सीखूँ तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा मेरे दोस्त आकर मेरी तारीफ

तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है इसके अलावा एक और रीज़न जनरली लोगों का ये होता है कि उन्हें नए नए आइडियाज आते रहते हैं आज हमने डिसाइड किया कि हम पढ़ाई करने वाले हैं कल हमने डिसाइड किया कि हम बुक रीडिंग सीखने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स कैसे पढ़ें परसों हमने डिसाइड किया कि हम तो क्रिप्टो के बारे में सीखने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं उससे अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम अपना कुछ नया कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं पर हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम फॉलो थ्रू नहीं करते एक डायरेक्शन में इनमें से कोई भी एक चीज़ को पकड़कर हम उसकी तरफ काम नहीं करेंगे हम सिर्फ

उनका ये मानना है कि लाइफ के अंदर ना फेलियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में फेल होते हैं ना हम वहां पर कहीं ना कहीं हल्का सा ग्रो करते हैं जैसे किसी इंटरव्यू की मैंने तैयारी करी पर फिर भी मैं रिजेक्ट हो गई तो मेरे मेरे लिए वो एक मोमेंट ऑफ ग्रोथ है वहां से मैंने कुछ नया सीखकर निकाला है एक टेस्ट की तैयारी की पढ़ी पहले टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे दूसरे में अच्छे नहीं आएंगे बट आई नो मेरे नाइन टेंथ टेस्ट में जाकर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले क्योंकि हर एक फेलियर के साथ मैंने ग्रो किया है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंड कि फेलियर में भी

छोटा 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 करके कंप्लीट कर लेंगे तीसरा ये कि जब भी काम सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद ख़ुद को रिवॉर्ड ज़रूर करना है और ये रिवॉर्ड पहले ही डिसाइड कर लें कि आज अगर मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं मस्त बैठकर अपनी मूवी देखूंगा मैं मस्त दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगा मैं अपना फेवरेट मैंगो शेक पी रहा तो इस तरीके से खुद को रिवॉर्ड करना है क्योंकि आपने सक्सेसफुली उस टास्क को कंप्लीट किया है चौथा ये कि अपने जिस एनवायरनमेंट में आप बैठते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेटर्स की आदत होती है कि छोटी सी चीज़ उनको बहुत जल्दी भटका देती है आपके साइड में अगर आपका फ़ोन पड़ा होगा आपके साइड में अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी होगी अगर आपको बुक पढ़नी और साइड में लैपटॉप होगा तो आप ज़रूर उसमें जाएंगे फिर चाहे जाने का बहाना ये हो कि बुक में कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आए और वो आपको तभी के तभी सर्च करना है आप अंडरलाइन नहीं करेंगे आप अपना फ़ोन खोलेंगे पहले उस वर्ड का मीनिंग सर्च करेंगे फिर दो तीन चीज़ें और देखेंगे नोटिफिकेशन देखेंगे उसके बाद वापस पर आएंगे तो इस तरीके की चीजों से सराउंड ही नहीं करना है खुद को काम करते हुए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट में अपने काम को कंप्लीट करना है एंड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं पे रिपीट करूंगी वो है माइंड एक माइंड बनाना है प्रोफेशनल जैसा प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स को कभी अगर प्रोक्रेसिनेट करने देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे कोई सर्जरी आ रही है किसी पेशेंट का इलाज करना है डॉक्टर बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट रहा है कि अभी नहीं करूंगा दस मिनट बाद करूंगा पंद्रह मिनट बात करूंगा कोई लॉयर की हियरिंग आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट और वह

को बंद करें और जिस भी काम की तरफ आप प्रोक्रास कर रहे हैं जो आपका पेंडिंग असाइनमेंट बचा हुआ है पेंडिंग टेस्ट की तैयारी बची हुई है पेंडिंग प्रोजेक्ट बचा हुआ है पेंडिंग स्किल जिस पर आपको काम करना है वो बची हुई है आपका कोडिंग टेस्ट बचा हुआ है उसको एटलीस्ट पांच मिनट बैठ करना है सिर्फ पांच मिनट एंड उसके बाद खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है कि आपने पांच मिनट उस काम पर लगाए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग